आज यानी 31 जुलाई को सावन का चौथा सोमवार है। सावन सोमवार पर व्रत रखना और भगवान शिव की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ के भक्त व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक करने से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर सावन के सभी सोमवार पर भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाए तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके साथ ही शिव जी की कृपा से भक्तों के सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। वहीं सावन के चौथे सोमवार पर प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ियों और भक्तों पर यूपी सरकार के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर हेलीकॉप्टर के जरिए स्नान कर रहे और पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा से शिव भक्तों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ उठी। वहीं पुष्प वर्षा कार्यक्रम से पहले घाट पर प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस फोर्स मौजूद रहे। वहीं एसडीएम दशरथ कुमार ने सावन के चौथे सोमवार पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सावन का चूंकि ये महीना चल रहा है, इसमें श्रद्धालु और शिव भक्त जो यहाँ ये संगम नगरी में यहाँ वो आते हैं, तो ये विभिन्न जो पौराणिक स्थल हैं मन कामेश्वर मंदिर और दशाश्वमेध घाट से यहाँ जल लेते हैं, तो सरकार की ओर से आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।